बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, राई किचन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ नमक पारे बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है और बिल्कुल हलवाई जैसे बनते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें, और वीडियो को एंड तक देखा करें। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। इसमें कटर के साथ डिज़ाइन वाले भी बनाए हुए हैं और सादा भी हैं, तो अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है तो आप सादा भी बना सकते हैं। दोनों आपको भी बताएंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। एक पाव मैदा लेना है, पचास ग्राम घी नीम गर्म होना चाहिए, नब्बे ग्राम पानी, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच। तो ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले मैदे में नमक डाल दें। और अजवाइन, इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें घी डाल दें। और इसके साथ पानी, 50 ग्राम घी था नीम गर्म और 90 ग्राम पानी। अब इसे आप अच्छे तरीके से गूंद लें। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स बनाने की रेसिपी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से वो विज़िट कर सकते हैं। आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। इसके बाद इसके पेड़े कर लेना। अब इसकी टिक्कियां बेल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त और जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। ये टिक्की बेल ली है। अब इसको कटर, ये कटर मार्केट से आसानी से मिल जाता है, तो इससे अगर काटेंगे तो जैसे हलवाई तैयार करते हैं उसी डिज़ाइन में आपको मिल जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल एक पहले स्ट्रेट लाइन लगाई, उसके बाद थोड़े से एंगल के साथ इस तरह हमने डिज़ाइन काट लेने हैं। इसी तरह से अगर कटर अवेलेबल नहीं है तो आप छुरी से भी काट सकते हैं।
जब जैसे ही घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें आप इसको फ्राई कर लें। ये देख कलर चेंज हो चुका है। जो डिज़ाइन के बगैर से सादा वो भी इस तरह खा लें। इसकी मोटाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। खस्ता नमक पारे जो हैं वो तैयार हो गए। चाय के साथ ही आप गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।